कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बीते दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के आवास पर डिप्टी सीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, शिंदे भाजपा की सरकार को मजबूती दे सकते हैं, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया है। अशोक चौहान ने भाजपा के साथ जाने की खबरों को गलत और निराधार कह दिया है। अशोक चौहान ने कहा, मैं आशीष कुलकर्णी के घर गणेश दर्शन के लिए गया था और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान मुलाकात केवल 2 मिनट की हुई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। वहीं चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। महंगाई को लेकर होने वाले मोर्चे में वो भाग लेंगे। आपको बता दें, अशोक चौहान ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है कि उनका भाजपा नेताओं के साथ कोई संबंध है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के बाकी विधायकों के साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि अशोक चौहान भी एमवीए गठबंधन से दरकिनार करके भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अशोक चौहान ने आज ये बात साफ कर दी है कि वो एमवीए गठबंधन का हिस्सा हैं और भाजपा में शामिल होने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।